बीएसई पर सुबह के सौदों में जेट एयरवेज के शेयर 5% के ऊपरी सर्किट के साथ 39.8 रुपए पर बंद हुए। यह प्रदर्शन जालान कार्लॉप कंसोर्टियम के इस विश्वास को मजबूत करने के बाद आया कि उसके पास संघर्षरत एयरलाइन को पुनर्जीवित करने के लिए धन है और कंपनी में प्रमुख पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति। शुक्रवार को विमानन उद्योग में एक महत्वपूर्ण विकास ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गो फर्स्ट द्वारा प्रस्तुत उड़ान बहाली योजना को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। स्वीकृत योजना के अनुसार संकटग्रस्त एयरलाइन 15 विमानों के साथ 114 दैनिक उड़ानें संचालित कर सकती है। हालांकि अनुमोदित योजना धन की उपलब्धता और अदालत के आदेशों के अधीन है। जेट एयरवे ने दिन की शुरुआत उत्साहपूर्ण तरीके से की और सोमवार सुबह उसका शेयर मूल्य 4.98% बढ़कर 39.82 रुपए पर पहुंच गया। यह प्रदर्शन कंपनी से संबंधित दो महत्वपूर्ण विकासों के कारण आया। जालान कार्लॉप कंसोर्टियम ने कहा है कि कई चुनौतियों के बावजूद उसके पास न केवल जेट एयरवेज को पुनर्जीवित करने के लिए बल्कि समाधान योजना के अनुसार अपने सभी लेनदारों को भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त धन है। कंपनी ने शुक्रवार को यह भी घोषणा की कि सुंदरम रमेश को पूर्णकालिक निदेशक और CFO के रूप में नियुक्त किया गया है, गौतम आचार्य पूर्णकालिक निदेशक होंगे और राजेश प्रसाद एक गैर कार्यकारी निदेशक होंगे।